सेशन स्टार्ट करने वाले। योगा के सेशन के लिए आप सभी को मैट पे सबसे पहले आना है। सबसे पहले आप सभी को मैट पे आना है और मैट पे आने के लिए आज का जो सेशन है स्पेशल हम लोग वेट लॉस यानी वेट मैनेजमेंट के लिए काम करना है। तो शरीर के ऊपर जो जो एक फैट की लेयर होती है तो उस लेयर को कैसे स्ट्रेच करके हम कर सके, वो फैट को कैसे रिड्यूस कर सके, इंच लॉस में कैसे हेल्प ला सके, ये आज हम देखेंगे योग के माध्यम से। योग में जैसे हमारे कुछ स्ट्रेचिंग्स है और साथ में सूर्य नमस्कार बहुत ही हेल्पफुल होता है वेट लॉस के लिए, क्योंकि वे सूर्य नमस्कार हमारे शरीर के 8 लेंथ जो उसके ऊपर काम करता है, यानी हमारे जो 7 ऑर्गन्स है उसके ऊपर काम करता है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सूर्य नमस्कार का इतना बेनिफिट हमें मिलता है योग के माध्यम से। तो सूर्य नमस्कार के 2 वेरिएशन आज आपको मैं बताऊंगी। एक है हमारा हठ योगा का सूर्य नमस्कार एंड देन अष्टांग विन्यासा सूर्य नमस्कार Type 2, जिसमें आपको वेरिएशन आएंगे जो वीरभद्रासन यानी वॉरियर पोज 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है बॉडी को स्ट्रेच करना। सबसे पहले आपको मैट पे आना है, जैसे मैं करती जा रही हूँ आपको करते जाना है। सब लोग अपना प्लीज म्यूट करके रखें ताकि मैं मेरा आवाज आप तक जा सके। मैम प्लीज हो सके तो आप प्लीज म्यूट कर दो। श्योर आप म्यूट ऑफ कर लें। हिमा जी आप म्यूट ऑफ करें। हिमा जी आप हेलो मैम बताएं। हाँ मैम ये कह रहा था कि हमको 5 मिनट का टाइम चाहिए था पहले क्लिनिक के लिए क्योंकि ऐसे में अजान हो गई है। आप कर लीजिए आप ऑफ म्यूट तो कर। फिर मैम कैसे फिर ज्वाइन करेंगे? मैं म्यूट जाएगा ना अपना। स्ट्रेचिंग के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। पॉज करके करें बेटा प्लीज। आपको स्ट्रेट खड़े होना है और दो पैर में कम से कम 3 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करें। 3 फीट का डिस्टेंस दोनों पैर में 3 फीट का डिस्टेंस। और डेली सुबह आपका ये होना ही चाहिए। डेली सुबह यानी आपके दोनों हाथ साथ में ब्रीथ इन करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए। आपको फोकस सामने हो, सामने देखिए, स्पाइन को स्ट्रेट रखे और यहाँ पे आपको अपना ब्रीदिंग स्टार्ट करें यानी सांसों को मेंटेन करना है। ब्रीथ इन एंड ब्रीद आउट जब आप करते हैं तो अपने पेट को यानी इस एरिया को इस एरिया को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करें। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। धीरे धीरे पेट को अंदर नाभि को अंदर की तरफ खींचते जाए। सांस ले, सांसों के साथ आपका बॉडी ऊपर की तरफ स्ट्रेच होगा और जब आप सांस छोड़ते हो तो इस एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करते जाए धीरे धीरे। ये आपको कम से कम 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना इस पोजीशन को। इस जस्ट 30 सेकंड होल्ड करते इसमें से आपका 30 ब्रीथ यहाँ पे आपको मेंटेन करना है। स्टार्टिंग आप 5 to 10 से कर सकते हैं और धीरे धीरे 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें और अपने ब्रीदिंग को मेंटेन करें। नाउ ब्रीथ इन एंड आउट पुल द नेवल टू इनसाइड अगेन इनहेल and exhale, pull your navel inward, inhale and exhale, inhale and exhale. आज हम सिर्फ यहाँ पे 5 कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा सिर्फ डेमो है इसके लिए, बट आप अपने रेगुलर प्रैक्टिस में इसे 30 सेकंड तक के लिए कंपलसरी हो जाता है। देन उसके बाद आपको धीरे से अपने दोनों हाथों को सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है। उसके बाद धीरे से अपने राइट हैंड को ऊपर लेंगे और लेफ्ट साइड में झुकेंगे ऐसे। आपका लेफ्ट हैंड आपके नी के लेवल तक जाएगा, आपका सेंटर लाइन प्रॉपर सेंटर में हो। Then again, breathe in, center, breathe out, bring your hand down. Now change, inhale and exhale,
प्रॉपर यहाँ पर साइड में स्ट्रेच, आपके वेस्ट लाइन तक एक अच्छा स्ट्रेच आपको मिलना चाहिए, इतना आपको जाना है। अगेन इनहेल एंड एक्सहेल, वन मोर टाइम, ब्रीथ इन एंड आउट, ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट हैंड डाउन, अगेन ब्रीथ इन, raise your hand, breathe out, lift from the right side, leg. Now inhale and exhale. इसके लिए सेम आपको कम से कम 10 10 यानी 20 20 तक आपको करना है, क्योंकि मैक्सिमम साइड में आपको स्ट्रेच मिलना बहुत जरूरी है. ओके, उसके बाद हमारा आता है ट्विस्टिंग. ट्विस्टिंग करना उतना ही जरूरी है, जैसे दोनों हाथ अपना शोल्डर के लाइन में लेते हैं और एक्टिव करते हैं, अपने शोल्डर पे दोनों हाथ रखे, ट्विस्ट करते हुए इनहेल एंड एक्सहेल. एक्सहेल में फिर से अगेन आपका पेट पूरा अंदर की तरफ आपको खींचना है, यानी नेवल को अंदर की तरफ खींचते जाना है. एक्सहेल, अगेन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, टू, अगेन वन मोर सेट, इनहेल एक्सहेल, टू, इन एंड आउट, अगेन इनहेल एंड एक्सहेल, हैंड आउट. ओके, नाउ नेक्स्ट में सेम स्ट्रेचिंग आपको थोड़ा वेरिएशन में लेना है. यहाँ पे स्क्वाट पोज, स्क्वाट पोज यानी हमारा ये पोजिशन, इस पोजिशन में जब आप आते हैं तो आपके थाई यानी लोअर एरिया से लेकर आपके एरिया तक टाइट बंद करने के, यानी मसल को फॉलो करने के लिए भी आपको हेल्प मिलती है इस पोजिशन से, इस पोस्चर से. तो आप क्या करेंगे, स्क्वाट पे जाएंगे, लाइक इनहेल एंड एक्सहेल, साइड स्ट्रेच. ओके, अगेन कंप्लीट स्क्वाट पोज एंड साइड स्ट्रेच, लाइक. तो ये दोनों पोजीशन जो है बहुत हेल्पफुल होती है हमारे इस साइड को, साइड की फैट को बर्न करने के लिए हेल्प करती है. स्टार्ट, इनहेल एंड एक्सहेल, साइड स्ट्रेच, अगेन इनहेल एंड एक्सहेल, साइड स्ट्रेच. ओके, ये आपका कम से कम 30 to 40 राउंड आपके होने ही चाहिए डेली बेस पे. 20 राउंड राइट साइड एंड 20 राउंड लेफ्ट साइड, इस साइड 20, ये आपके काउंटिंग डेली बेस पे होंगे तो आप डेफिनेटली देखो कि आपको इन स्ट्रोक्स से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है. सेम थिंग आपको ट्विस्ट में करना है, लाइक स्क्वाट, इनहेल एंड एक्सहेल, ट्विस्ट, स्क्वाट, ट्विस्ट, स्क्वाट, ट्विस्ट, स्क्वाट, ट्विस्ट. ओके, इस तरह से यहाँ पे जैसे मैंने 2 2 राउंड दिखाया, आप देख रहे दो दो राउंड में ही हमारा अंदर से हम वार्म होते जा रहे हैं, गर्म बॉडी गर्म होती जा रही है. तो आप सोचिए अगर इसके अगर हमने 20 20 राउंड कर दिए तो कितना अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अंदर से बॉडी गर्म होगी और फैट बर्न करने के लिए आपको हेल्प मिलेगी. ओके, तो इस तरह से ये आपके राउंड हो गए. उसके बाद आपको थोड़ा वेस्ट लाइन रोटेशन करना है. स्टार्ट, 1 2 3 4, वेस्ट लाइन रोटेशन में आपका वेस्ट ही रोटेट होना चाहिए, आपका पूरा बॉडी नहीं. ओके, इसमें आपका पूरा बॉडी, ये जो हो रहा है ये पूरा बॉडी रोटेट हो रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ आपका वेस्ट लाइन रोटेशन होना है, सिर्फ वेस्ट रोटेट होना चाहिए. देन एंटी क्लॉक वाइज स्टार्ट, 5. आप देखोगे जब सिर्फ ये एरिया रोटेट होता है तो हमारा नेवल ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, पूरे एब मसल जो होते हैं हमारे फैट जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. ओके, तो ये इस तरह से आप 10 to 20 राउंड धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए डे बाय डे आप अपने डेली रूटीन में. तो इस तरह से ये जो हमारा स्ट्रेचिंग हो गया, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार एक बहुत ही अच्छा विकल्प है वेट लॉस के लिए, क्योंकि ये सूर्य नमस्कार एक सीरीज है आसनों की. एक आसन से प्राणायाम आसन से स्टार्ट होता है तो प्राणायाम आसन में ही खत्म होता है. 12 आसन होते हैं हमारे हठ योग, योग सूर्य नमस्कार में, और अष्टांग विन्यास में 16 आसन होते हैं. तो यहाँ पे हम जैसे जैसे करते जाएंगे उसे आप देखोगे कि कितना हेल्प होता है इन आसनों से हमारे बॉडी के वेट को मैनेज करने के लिए.
ओके इवन आप मैनेजमेंट जैसे हम बोल रहे हैं तो मैनेजमेंट के लिए सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट आसन है योग में। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले स्ट्रेट खड़े रहना है, इस तरह से स्ट्रेट खड़े रहेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे। नाम इन्हें करते सबसे पहले प्रणाम मुद्रा, 1 2 3 एक्सेल, सांस छोड़ती हुई नीचे आना है, 4 धीरे से अपने लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाना है और सामने देखना है, नीचे नहीं देखना है यहाँ पे, आपको आपको सामने देखना है, 4 देन 5 दंडासना, 6 धीरे से नी को नीचे रखे शशांक आसन में जाइए, शशांक टू अष्टांग, अष्टांग ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता, अगर आप कर सकते हैं तो अष्टांग में जाइए या फिर शशांक से डायरेक्टली भुजंगासन में भी जा सकते हैं। ये है अष्टांग नमस्कार जो आपके आठों अंग को नीचे जमीन को मिला देता है। 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अगेन अश्व संचालन, 10 पाद हस्तासन, 11 हस्त उत्तानासन, हल्का सा पीछे झुके एक्सेल प्रणामासन। ओके फिर से रिपीट करेंगे इसी आसनों को, फिर से ये सूर्य नमस्कार हम रिपीट करेंगे, 1 2 ब्रीथ इन, 3 ब्रीथ आउट, 4 ब्रीथ इन, 5 ब्रीथ आउट दंडासना, 6 शशांकुष्टांग, इनहेल एंड एक्सहेल। हर एक आसन में आपको अपने ब्रीदिंग को बहुत प्रॉपरली केयरफुली मेंटेन करना है। 7 ब्रीथ इन भुजंगासन, 8 ब्रीथ आउट पर्वतासन, ब्रीथ इन, 9 अश्व संचालना, 10 पादहस्तासना, 11 हस्त उत्तानासना, 12 प्रणामासना। ओके इस तरह से 12 आसन आपके एक फ्लो में बिना समय जाते हैं, जब आप हर शरीर का हर एक क्रिया आपका एंगेज हो जाता है इस नमस्कार में। वैसे ही अभी यहाँ पे हम करेंगे अष्टांग विन्यास सूर्य नमस्कार टाइप 2। यहाँ पे 2 सूर्य नमस्कार ए एंड बी सूर्य नमस्कार होते हैं, उसमें आपका बी सूर्य नमस्कार जो बहुत ही हेल्पफुल है हमारे वेट लॉस के लिए। कम से कम हाथ योग के 12 रैपिड आपके राउंड होने चाहिए, वैसे ही अष्टांग विन्यास के कम से कम 5 राउंड आपको करने हैं डेली बेस पे डेली। ओके तो सबसे पहले रेडी हो जाइए, यहाँ पे समस्थिति यानी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, अपने शोल्डर को रोल बैक करना है, इनहेल एंड एक्सहेल, 1 एकम उत्कटासना, अपने नी को हल्का सा बेंड करें, एक्सट्रीम लेवल पे बेंड नहीं करना है, हल्का सा स्लाइट बेंड करना है नी को, और आपकी आपकी दृष्टि आगे रखे, 2 उत्तानासन, फोकस टूवर्ड नी, 3 यानी आपको सामने देखना है, देन चतुर्वारी चतुरंग दंडासना दोनों पैर पीछे, 5 ऊर्ध्वमुख श्वानासना यानी भुजंगासन, 6 अधोमुख श्वानासन यानी पर्वतासन, 7 सप्ताह में धीरे से अपने जितना लेके जा सकते हैं यानी आपकी दृष्टि यहां से पैर के टो तक, 17 वीरभद्रासना, वीरभद्रासन यानी वॉरियर पोज, जहां पे एक लेग आपका आगे की जो नीचे हल्का बेंड है यानी आपका 90 डिग्री का एक एंगल बनना चाहिए, आपका एंकल एंड नी एक लाइन में आगे नहीं जाना है और ना ही पीछे, इसको सेंटर में आपको मेंटेन करना है। यहाँ पे जैसे ही हो गया वीरभद्रासन के लिए दोनों हाथ आपके लाइक लिटिल बिट चिन अप, हल्का चिन ऊपर कीजिए, वीरभद्रासन 2, भद्रासन 3,
ये हाथ जब आप ऊपर की तरफ खींचना है, आपको स्ट्रेच करना है, ओके, ये रिलैक्स रहेगा ये एरिया, बट ये एरिया आपका ऊपर स्ट्रेच होगा, तो आपको बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग मिलती है यहाँ से थाई से लेके हैंड फिंगर्स तक। देख चतुरंग दंडासना, ऊर्ध्व मुख श्वानासना, अधो मुख श्वानासना, अगेन वीरभद्रासना लेफ्ट साइड, एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन है, पोस्चर है ये, जहां आपके थाई वेस्ट लाइन ये बटर ये सारे मसल्स एंगेज हो जाते हैं, आपके वो तो टोन अप करने के लिए आपको हेल्प मिलती है। एंड वीरभद्रासन टू, वीरभद्रासन थ्री, चतुर्भुज दंडासना, ऊर्ध्वमुख श्वानासना, अधोमुख श्वानासना, ऊर्ध्वोत्तानासना यानी फॉरवर्ड लेग, उत्तानासना फोकस टुवर्ड नी, उत्कटासना एंड समस्थिति, रोल बैक योर शोल्डर। बहुत ही पावरफुल सूर्य नमस्कार पोस्चर है, ये पोजीशन है आपके जो आपके वेट लॉस के लिए आपको बहुत हेल्प करती है ये नमस्कार। तो ये इसके कम से कम आपके 5 राउंड आपके होने ही चाहिए। चलिए 1 राउंड फिर से करते हैं ताकि आप लोग प्रॉपर अच्छे से बहुत अच्छे समझ जाइए। स्टार्ट करते हैं, वेट करूं त्रीणी चतुरी पंचम छठ सप्ताह, वीरभद्रासन टू और यूपोज थ्री, चतुर्भुज दंडासना, ऊर्ध्वमुख श्वानासना, अधोमुख श्वानासना, वीरभद्रासना, वीरभद्रासन टू, वीरभद्रासन थ्री, चतुर्भुज दंडासना, ऊर्ध्वमुख श्वानासना, अधोमुख श्वानासना, एक उत्तानासना, जंप फॉरवर्ड आइदर एक मोमेंट विल गो, उत्तानासना, उत्कटासना एंड समस्थिति, रोल बैक योर शोल्डर 1 एंड 2, ओके। तो इस तरह से हम जो योग की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे लिए बहुत हेल्प होती है अपने वेट को मैनेज करने के लिए, वजन बैलेंस करने के लिए। सिर्फ इतने से सूर्य नमस्कार डालिए, शुरुआत में स्ट्रेचिंग कीजिए और सूर्य नमस्कार कीजिए, फिर देखिए कि आपका वजन कैसे बैलेंस नहीं होता है और मैनेज नहीं होता है। और साथ ही में एक प्राणायाम जो है कपालभाति, कपालभाति प्राणायाम बहुत ही हेल्पफुल होता है वेट को रिड्यूस करने के लिए। ओबेसिटी के लिए सबसे बेस्ट प्राणायाम होता है कपालभाति, क्योंकि बॉडी में इतनी गर्मी बढ़ा देता है, इतनी हीट जनरेट करता है कि अंदर के जो फैट होते हैं ऑटोमेटिकली बर्न होने लगते हैं, क्योंकि बॉडी अंदर से उतना आपका मेटाबॉलिज्म रेट आपका हाई होने लगता है कपालभाति से। तो आपको ये कपालभाति की भी प्रैक्टिस करनी है डेली एटलीस्ट 250 to 300 तक, क्योंकि 100 तक जब जाते हैं तो उससे बॉडी तक लिमिटेशन होता है उसका, बट उसके थोड़ा हम क्रॉस कर देते हैं तो आपके वो फैट तक कनेक्ट होता है। Okay? तो कपालभाति का आपको 100 100 100 के 3 सेट आपको करने हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट 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 पे ही फोकस करते जाना। तो कपालभाति भी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है स्पेशली आपके बेली फैट को कम करने के लिए और बॉडी को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये योग का भी सेशन खत्म निश हो गया है। मैम ने जो शिखा मैम ने हमें जो नेचुरोपैथी के कुछ जो बहुत ही अच्छे से टिप्स दिए हैं कि हम अपने वजन को कैसे बैलेंस करें, और भी वो भी विदाउट एनी कॉज,
कुछ खर्चा नहीं करना है, सिर्फ आपको घर पे ही सब चीज अवेलेबल है और उसी में ही हम अपने आप को मेंटेन कर सकते, बैलेंस कर सकते हैं, वेट को मैनेज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग उसी को अपनाएंगे और करने की कोशिश जरूर, क्योंकि सिर्फ ये देखना नहीं है, सुनना नहीं है, इसे हमें अपने ऊपर अपनाना है, अपने ऊपर करना है, तभी जाके हम दूसरों को बता सकेंगे कि नहीं भाई ये है, इसका रिजल्ट आता है और हम ये कर सकते हैं। क्योंकि मैं बताऊंगी, आप सुनेंगे और आप किसी और को कहेंगे, तो उससे बेटर पहले हम अपने ऊपर अपनाएं, हम खुद करें उस चीज को और फिर दूसरों को सजेस्ट करें। क्योंकि हम सजेस्ट तभी करते जब हमने उसे अपनाया है, हमने उसे किया है, उसके ऊपर प्रैक्टिकल किया है और अपने ऊपर बनाए, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है और वो कॉन्फिडेंटली हम बोल सकते हैं हाँ 100% रिजल्ट है, बट अदरवाइज नहीं, पता नहीं, ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं हाँ मैंने किसी से सुना है और बताया है। तो ये सजेशन ऐसे नहीं होते, आप प्लीज नेचुरोपैथी का, हाँ मैम का भी वही उद्देश्य है कि लोगों तक नेचुरोपैथी का प्रचार हो, हर घर में नेचुरोपैथी का डॉक्टर हो, यानी हम खुद ही अपने डॉक्टर बन सकते, क्योंकि सारी जो नेचुरोपैथी के लिए जो चाहिए होता है वो सब हमारे घर में अवेलेबल होता है। तो यही हमें अपने ऊपर, दूसरे के ऊपर या किसी के ऊपर चिकित्सा करते रहना है और नेचुरोपैथी को अपनाना है और योग को भी अपनाना है। तो इन दोनों की प्रैक्टिस हमें रेगुलर बेस पे करते रहेंगे तो 100% बहुत सारी बीमारियां हमसे बहुत सारी दूर दूर तक रहेगी, पास नहीं आएंगी, इतना हमारा भी विश्वास है। क्योंकि जब से हम भी मैम के साथ जुड़े हैं, मैम ने भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हमें दिया है कि नहीं नेचुरोपैथी से ऐसे होता है, हाँ हमने भी उसे किया और बाद में हम बोले हाँ होता है। तो नेचुरोपैथी को अपनाइए और नेचुरोपैथी का प्रचार कीजिए और नेचुरोपैथी को आगे लाइए और उसे जरूर आजमाएं। यही आशा है। इस ग्रुप में इस सेशन का जो लिंक है कल आपको फॉरवर्ड किया जाएगा, मैम ही फॉरवर्ड करेंगे लिंक, जो रिकॉर्डिंग लिंक होगी वो। थैंक यू सो मच मैम, आपने जो आज आपका इतना बहुमूल्य टाइम हमारे लिए निकाला और हमें बहुत अच्छे टिप्स दिए और बहुत अच्छे सजेशन दिए कि ऐसा करना चाहिए, फूड में क्या करना चाहिए, फ्रूट में क्या लेना चाहिए, इस सबके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप से कनेक्ट हुए, आशा करते हैं कि आप कनेक्ट रहेंगे। थैंक यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, ये रिकॉर्डिंग हो गया है, जैसे ही लिंक जनरेट होगा हम आपको कल तक उसी ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे। कोई कुछ अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन है नेचुरोपैथी से, मैम से करने आपको क्वेश्चन है तो आप मैम से बिजनेस आप करने कर सकते हैं, आपका कोई डाउट। प्रणाम मैम, जब बताएंगे। मैं जितेंद्र, मैम एक्चुअली योगा क्लासेस मैं भी लेता हूँ यहाँ फरीदाबाद में, तो कुछ ऐसे पेशेंट हमारे पास होते हैं स्टूडेंट जो जिनको ये अपर बैक में हंच होता है वेट की वजह से या फिर उनकी वर्किंग स्टाइल ठीक ना होने की वजह से ये अपर नेक के पास में, तो ये पोस्चर जो इनकरेक्ट होना है या तो सिटिंग की वजह से होता है, तो यहाँ का फैट कैसे कम होता है जी? ये वाला सिंपल हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन उनको कराइए और कुछ करना ही नहीं है, एक आइस बैग और एक हॉट वाटर बैग, ठीक है? तो ऑल्टरनेट जैसे हम बताते हैं हमेशा, ऑल्टरनेट फर्मेंटेशन, गरम हॉट वाटर बैग रखा, फिर हटाया, फिर ठंडा कंप्रेशन किया, फिर गरम किया, ऐसे ऑल्टरनेट 3-4 बार, 3-1, 3-1, 3-1, 3-3, ये ऑल्टरनेट कर लीजिए। कुछ भी नहीं करना है, एक हॉट वाटर बैग अपने पास होना चाहिए, एक आइस बैग होना चाहिए, उसी से करवा लो, कोई टॉवेल नहीं, कुछ नहीं, कोई पानी नहीं, उससे भी उनको धीरे धीरे वो सप्रेस होने लगेगा। क्रॉनिक केस में आप सुबह शाम सजेस्ट करो, दिन में एक बार उनको 10-15 डेज तीन मिनट एक रखें, 2 मिनट, 1 मिनट के लिए 3 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडा। कभी भी जो कोल्ड का फॉर्मेंटेशन है वो थोड़े समय के लिए करना चाहिए, है ना? अच्छा, 3-1, 3-1, 3 में जो ज्यादा साइड है वो हम हॉट देते हैं, हॉट एंड कोल्ड। और कोई कुछ पूछना चाह रहे? यस बताएं। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ मैं पूछना चाहती थी, मैंने तो वेट लॉस कर लिया है लेकिन टारगेट मेरा टमी एंड बेली था, लेकिन फर्स्ट तो मेरा फेस पे हो गया है,
आपने जो बैंडेज का बोला था, वो लूज जो होते हैं मसल्स एंड स्किन, उसके लिए क्या कर सकते हैं? बैंडेजेस, हॉट एंड कोल्ड बैंडेजेस एंड मसाजेस दोनों काम आएंगी. आप दोनों ही घर पे किसी को ट्रेंड करके करा सकते हैं किसी से. तो एक बार मतलब कई एक दो पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि एकदम से बहुत लूज होने की वजह से हमें टोनिंग नहीं महसूस होती, तो उसके लिए आप मसाजेस के किसी को कंसल्ट करो और उसको अच्छे टेक्निकल तरीके से मसाज कराओ आप अपनी. तो उसमें हमारी यूट्यूब चैनल पे जाएंगे नेचुरोपैथ शिखा गुप्ता, इसमें लिंक भी मैंने भेजा था, फिर से भेज दूंगी इसी ग्रुप पे. तो उसमें मसाजेस, बहुत सारी मसाजेस दी हुई हैं, हैंड्स की, फीट की, टेक्निकल मसाजेस. तो आप किसी को भी, किसी भी बंदे को हायर करके आप एक दो बार उसको दिखाओ तो आपको करने लग जाएंगे. बैंडेजेस के भी वीडियोस हैं, प्लस आप पर्सनली आप उसको सीख सकते हो, घर में ही बना सकते हैं. एक कोल्ड बैंडेज, एक सूती पट्टी काटी और एक ऊनी काटी, सूती कॉटन बैंडेज को हम पानी में डिप करके निचोड़ लेते हैं. पहले इंटरनली हम कॉटन की बैंडेज बांधते हैं जो पानी से भीगी है, उसके ऊपर हम उलन बैंडेज जो सूखी हुई है वो बांधते हैं. इसको कहते हैं हॉट एंड कोल्ड. कोल्ड अंदर है, ऊपर हॉट है. और ये 45 मिनट की मैकेनिज्म है जो आपकी जो एडिपोज टिश्यू है और बाहर की मसल्स है उसको टोन करता है, स्ट्रेंथन करता है. सिंपल फेस के लिए तो मसाजिंग हो सकती है, एक्सरसाइज हो सकती है, फेस योगा करिए. अच्छा, फेस के लिए फेस योगा और बढ़ाइए और मसाजेस बढ़ाइए. मतलब दो बार फेस की मसाज दिन भर में, और एक बार एटलीस्ट एक से दो बार फेस योगा, वो काम करेगा, है ना. एंड बलून बलून फुलाना, मुंह में पानी रख के, ऐसा है ना, तो वो सारी और बढ़ाइए. ओके, थैंक यू मैम. कुछ पूछना चाह रहे हैं? किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप ask the ma'am. हेलो मैम. हेलो. हाँ हेलो, बताएं. नमस्ते मैम. नमस्ते. ये जानना चाह रहे थे कि अगर फेस पर, मेरे पास पेशेंट आए थे, उन्होंने बोला कि फेस में बहुत ज्यादा तेल है, तो उसके लिए क्या वजह हो सकती है? मेरे पास पेशेंट आए थे, आपकी उम्र क्या है? नहीं, मेरे मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ और मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं. मैं फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ और मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं, उनके चेहरे पर तिल हो जा रही है, तो उसके लिए क्या उपचार किया जा सकता है मैम? होम्योपैथी में कुछ रिजल्ट्स हैं, मैंने अभी तक इस पे काम नहीं किया, मैं नहीं बता पाऊंगी. उसका लाइफ स्टाइल ठीक करो, डाइट ठीक करो ना, टॉक्सिन्स निकाल सकते हैं क्योंकि स्किन से ही आ रहे हैं. आप स्टीम बाथ का सहारा ले सकते हैं, एनिमा का सहारा ले सकते हैं, बट एट सच ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज है जो ये बताए कि हाँ आप तिल नहीं निकलेंगे, है ना. आप उनको डिटॉक्स ही करो, जैसे डिटॉक्स करते हैं सिंपल नेचुरोपैथी में, मड थेरेपी है, स्टीमिंग है, एनिमा है, डाइटरी चेंजेस है, उससे मुझे लगता है कि बेहतर होना चाहिए. क्योंकि बहुत बार बार पेशेंट्स ऐसी कंप्लेन से आता है जहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, नहीं दिखता, बट जब हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, अल्कलाइन डाइट पे रखते हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ ठीक होती हैं. मैम, उसको फेशियल वाला स्टीम बाथ दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं. थैंक यू. थैंक यू. मैम, जो गरम हॉट पट्टी और कोल्ड पट्टी बोली है, तो वो वेट लॉस के लिए यूज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है. बैंडेजेस एंड मसाजेस एंड डाइट योगा. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू मैम. सो आई थिंक ऑलरेडी हम लोग टेक्निकल सेशन मतलब शुरुआत करने में ही लेट थे, हमें अभी ओवर करना चाहिए. ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू एवरीवन.